इस वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं 150 डेज एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड में, जो कि बना होता है केवल 3 लेयर के डर्ट से। इसके साथ ही हमें कुछ टारगेट को भी अचीव करना है। पहला, फुल्ली इंचांटेड डायमंड का आर्मर और टूल्स बनाना। दूसरा, इंडर ड्रैगन को मारना। तीसरा, एक मैक्स लेवल का बीकन बनाना। और उसके साथ ही हमें एक अल्टीमेट सर्वाइवल बेस भी बनाना है। तो ये है माइनक्राफ्ट सर्वाइवल 150 डेज इन अ सुपर फ्लैट वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहले हम दोनों भाइयों ने वर्ल्ड को ज्वाइन किया और हम स्पॉन हुए डर्ट की एक फ्लैट सरफेस पे। और अभी केवल हम दोनों भाइयों ने ही वर्ल्ड को ज्वाइन किया था, एक भाई हमारा बाद में ज्वाइन करेगा। हमारे रिस्पॉन्स से ही हमें एक विलेज दिख रहा था, तो सीधे हम विलेज की ओर चल दिए। लेकिन उससे पहले नाइस, विलेज में पहुंचते ही मुझे एक ट्री दिखा, लेकिन विलेजर्स ने उसे फैंस से प्रोटेक्ट कर रखा था। तो मैंने एक विलेजर का ही हाउस तोड़ दिया और उससे कुछ टूल्स को क्राफ्ट किया। अब मुझे विलेज को लूट के विलेजर्स के सारे रिसोर्स को चोरी करना था, लेकिन मुझे केवल एक ही चेस्ट मिला जिसमें से कुछ फूड मिला। और भाई को तो अभी तक 2 एमराल्ड और सेडल भी मिल गया था, लेकिन मैंने उसे भाई को वापस दे दिया क्योंकि मैं दूसरों की चीजें नहीं लेता। ट्रस्ट मी, ये बेड मुझे कहीं पड़ा हुआ मिला, मैंने इसे किसी हाउस से चोरी नहीं किया। और इस टाइम तक भाई ने सारे विलेज को लूट लिया था, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने एक और हाउस को बर्बाद कर दिया। ओके, तो जब तक मैं हाउस को बर्बाद कर रहा हूँ तब तक मैं अपना प्लान बता देता हूँ। तो जैसा कि एक सुपर फ्लैट वर्ल्ड है और ये केवल 3 लेयर के डर्ट से बना होता है, यानी वहाँ से हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो एक परफेक्ट स्टार्ट के लिए हमें बहुत सारे विलेज को लूटना पड़ेगा जहाँ से हमें फूड और बहुत सारे रिसोर्स भी मिल सकते हैं। लेकिन हमें विलेज से केवल 2 ही टाइप के हाउस चाहिए था। पहला था वेपन स्मिथ, जहाँ से हमें बहुत सारे टाइप के लूट मिलते हैं, लेकिन वहाँ से हमें केवल आयरन, नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऑब्सीडियन और ज्यादा लकी रहे तो डायमंड भी मिल सकता था, और सबसे जरूरी वहाँ पे लावा भी होता है। और दूसरा हाउस था लाइब्रेरियन का, जहाँ से हमें बहुत सारे बुक मिल सकते हैं, और इसके साथ ही हमें विलेज से बहुत सारे जॉब ब्लॉक को भी कलेक्ट करना था। और इसी के साथ इस विलेज में हमें फर्स्ट लाइब्रेरियन भी मिल गया, लेकिन ऑफ कोर्स भाई ने उसे पहले से लूट रखा था। और इसी के साथ मुझे विलेज में कुछ भी नहीं मिल रहा था क्योंकि हर जगह मेरा भाई ही था। इसे पता नहीं किस बात की जल्दी थी, ये पूरा विलेज अकेले ही लूट गया। बट एनीवे, इसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और भाई का फर्स्ट विलेज में इतना तगड़ा डोमिनेशन के बाद हम सीधा सेकेंड विलेज की तलाश में चल दिए। और सबसे अच्छी बात थी कि इस वर्ल्ड में विलेज ढूंढना बहुत ही आसान था, हमें सेम डे पे ही एक और विलेज मिल गया। और इस बार तो मैं भाई को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता था, तो इसलिए मैं फुल स्पीड में विलेज की ओर भागा। इस विलेज के फर्स्ट हाउस से ही मुझे कुछ पोटैटो, एप्पल, एक बुक और कुछ ब्रेड मिल गया। इसके बाद मैं विलेज को लूटने लगा। देखो, मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो बस हेबेल लेने आया था। इसके बाद मैंने विलेजर के सारे फसलों को बर्बाद किया और वहां से मुझे बीटरूट और कैरेट भी मिल गया। इस विलेज में पहला हमें वेपन स्मिथ का हाउस भी मिला, वहां से मुझे बस एक आयरन स्वॉर्ड मिला और कुछ कचरा मिला, लेकिन वहां पे लावा था और लावा कलेक्ट करने के लिए मुझे बकेट चाहिए था। तो फिर मैं आयरन गोलम को ढूंढने लगा, लेकिन आयरन गोलम भाई थोड़े बिजी लग रहे थे, मतलब इतना बिजी कि मेरे बुलाने पे भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया। तो मैंने उनको अपना काम करने दिया और अभी फर्स्ट नाइट भी हो गई और अभी भी गोलम भाई अपना काम ही कर रहे थे और घर में से मैं उनपे नजर रख रहा था। काम तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन गोलम भाई खत्म हो गए और गिफ्ट में मेरे लिए आयरन छोड़ गए। इसके बाद मैं एक और आयरन गोलम का स्पॉन होने का वेट करने लगा। इसी बीच में मैंने कुछ खाना पकाया, एक बकेट लावा कलेक्ट किया और फिर सो गया। सुबह होते ही मैंने कुछ लोगों का जीते जी अग्निदाह किया और अभी भी दूसरा आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ था। तो फिर मैं कंपोस्टर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोटा होने के कारण मैं अंदर जा नहीं पा रहा था। आई थिंक यही सही टाइम है, मुझे अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद मैंने एक हॉर्स देखा, तो भाई से मैंने सेडल लिया और उसे टेम करने लगा। इसने थोड़ा सा नखड़ा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ये टेम हो गया, तो मैंने उसे सेडल पहनाया और भाई को दे दिया। इसके बाद हम थर्ड विलेज की तलाश में चल दिए और ज्यादा विलेज लूटने के चक्कर में हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग होकर विलेज को लूटेंगे। इसके बाद मैं पूरा दिन विलेज की तलाश में भागता रहा और शाम के टाइम मुझे एक विलेज मिल गया और पास जाके देखा तो मैं फिर से फर्स्ट विलेज में आ गया था। और मैं तो छोड़ो, मेरा गधा भाई भी वहीं पे आ गया था, यानी हम दोनों भाई पूरा दिन गोल गोल घूम रहे थे। लेकिन हमने वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और हम फिर से अलग अलग होकर विलेज ढूंढने चल दिए। नेक्स्ट रात भी हो गया और मुझे अभी भी कोई विलेज नहीं मिला और फाइनली मुझे एक और विलेज मिला। और गेस करो ये कौन सा विलेज था? यस, मैं फिर से फर्स्ट विलेज में ही आ गया था। आई थिंक यही सही समय है, मुझे अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। बट एनीवे, इस बार मैंने वहां से आयरन गोलम को मारा और आयरन कलेक्ट किया और फिर मैं सेकंड विलेज में चला गया और वहां से एक बकेट बचा हुआ लावा भी कलेक्ट कर लिया और फिर मैं नेक्स्ट विलेज की ओर मूव किया। और अभी मैं गोल गोल घूम के थक गया था तो मैंने एक सीधे डायरेक्शन में चलना शुरू किया और इस बार मुझे एक न्यू विलेज मिला। लेकिन पास गया तो देखा गेट खुला था और चेस्ट भी खाली था। इसके बाद मैंने अपने भाई को वहां पे देखा
ये भी यहीं पे था, यानी यहाँ से भी मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। बट इस विलेज में एक वेपन स्मिथ का हाउस था और भाई ने बताया कि यहाँ से भी उसे कोई भी ऑब्सीडियन नहीं मिला। तो फिर मैंने कुछ आयरन गोलम को मारा और बकेट बना के सारे लावा को कलेक्ट किया। अब हमारा प्लान था कि यदि हमें ऑब्सीडियन नहीं मिलता तो हम नेदर पोर्टल बनाने के लिए लावा का यूज करेंगे। और अभी तक मेरे पास 4 बकेट लावा कलेक्ट भी हो गए थे, केवल 6 बकेट लावा और चाहिए था। इसके बाद मैं नेक्स्ट विलेज में मूव किया, वहाँ भी मुझे कुछ लूट मिला और एक सेडल भी मिला। और फिर नेक्स्ट विलेज, वहाँ से मेनली मुझे कुछ जॉब ब्लॉक ही मिले। और हाँ, सारे विलेज से मैं आयरन कलेक्ट करने के लिए आयरन गोलम को भी मार रहा था। इसके साथ ही मैंने अपने लिए भी एक हॉर्स को टेम किया। फिर मैं नेक्स्ट विलेज में चला गया जहाँ मैंने एक विलेजर को टपली मार के उसके सारे रिसोर्स को चोरी किया और उसके सामने ही उसके सारे एनिमल को मार दिया और उसे खाने के लिए कुक किया और फिर कुछ लोगों को बेरोजगार किया। और इसके साथ ही इस विलेज में एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया जो कि जंगल सेपलिंग दे रहा था और इस वर्ल्ड में हमें सेपलिंग केवल यही दे सकता था, तो ये मेरे लिए बहुत ही जरूरी था। लेकिन इसके लिए मेरे पास एमरल्ड ही नहीं थे, तो फिर मैंने एक कंपोस्टर बनाया और विलेजर को फार्मर का जॉब देने लगा। लेकिन किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने एक विलेजर को उसके घर में ही बंदी बनाया और उसे फार्मर का जॉब दिया। और सेल करने के लिए मेरे पास केवल वीट ही था, तो मैंने उसे सारे वीट को सेल कर दिया। इसके बाद मैं सो गया। सुबह होकर मैं ट्रेडर भाई को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे बस ट्रेडर भाई का लामा मिला। मैंने उसे ट्रेडर भाई के बारे में पूछा लेकिन वो कुछ नहीं बोला, तो मैंने उसे 3rd degree टॉर्चर भी किया। वो मर गया लेकिन अपना जुबान नहीं खोला। ट्रेडर भाई तो मुझे नहीं मिले, यानी मेरा सेपलिंग बाय करने का सपना सपना ही रह गया। तो फिर मैंने अपना सारा सामान कलेक्ट किया और नेक्स्ट विलेज में चल दिया। नेक्स्ट विलेज में मुझे एक वेपन स्मिथ का घर मिला और वहाँ भी ऑब्सीडियन नहीं मिला, लेकिन एक डायमंड हॉर्स आर्मर मिल गया और एक फर्स्ट गोल्ड इंगट भी मिला। इसके बाद मैंने वहाँ से लावा कलेक्ट किया, आयरन गोलम को भगवान के पास पहुँचाया, लोगों को बेरोजगार किया और अपने हॉर्स को डायमंड आर्मर पहना के थोड़ा सा शो ऑफ किया और फिर नेक्स्ट विलेज में चल दिया। शाम तक एक और विलेज मिल गया और वहाँ पे भी वेपन स्मिथ का घर था। वहाँ भी कुछ खास नहीं था, बस एक और हॉर्स आर्मर था, तो मैंने उसे भाई के हॉर्स के लिए भी ले लिया। फिर मैंने एक आयरन गोलम का अग्नि दाह किया और लावा को कलेक्ट किया। इस टाइम तक मेरे पास 8 बकेट लावा कलेक्ट हो गए थे और अभी तक भाई के पास भी 4 बकेट लावा हो गया था, जो कि हमें नेदर पोर्टल बनाने के लिए इनफ था। और इसके साथ ही हमारे पास बेस बनाने के लिए इनफ मटेरियल भी कलेक्ट हो गया था। फिर मैं भाई के पास चल दिया। day 5 से day 6 हो गया। रास्ते में मैंने और भी विलेज को लूटा। day 6 से day 7 हो गया और फाइनली मैं भाई के पास पहुंच गया। इसी बीच में मेरा दूसरा भाई ने भी गेम ज्वाइन कर लिया। फिर मैंने भाई के हॉर्स को भी आर्मर पहनाया और हम दूसरे भाई के पास चल दिए। बीच में हमें और भी विलेज मिले, हमने वहां से भी कुछ लूट को कलेक्ट किया। इसके बाद हमें एक प्लेस सेलेक्ट करना था जहाँ पे हम अपना बेस बिल्ड कर सकें, तो मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया और वहाँ पे सेफ रहने के लिए एक छोटा सा बंकर बनाया। और ये एरिया विलेज के ज्यादा पास नहीं था, लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं था, जरूरत पड़ने पे हम आसानी से विलेज में जा सकते थे। इसके बाद मैंने एक चेस्ट बनाया और मैंने और भाई ने अपना सारा इम्पोर्टेंट सामान को वहाँ रखा। तो विलेज से ये सारी चीजें थी जो हमने लाया था, जिसमें बहुत सारे जॉब ब्लॉक, बुक्स, आयरन और 12 बकेट लावा और कुछ फूड था। हमने ज्यादा आसानी से मिलने वाली चीजों को नहीं लाया था, ओके इग्नोर डेट। और यदि हमें किसी चीज की जरूरत भी होगी तो हम पास वाले विलेज से जाकर ले सकते थे। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी बिल्ड करने से पहले हमें इन स्लाइम से छुटकारा पाना होगा और एक सेफ एरिया बनाना होगा जहाँ पे हम शांति से बेस बिल्ड कर सकें। तो इसके बाद मैंने कुछ ओक सेपलिंग को प्लांट किया और अभी हमारा प्लान था कि हम इसके चारों ओर एक वॉल खड़ा करके एक सर्वाइवल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो फिर मैंने एक आयरन शवल बनाया और भाई वॉल बनाने के लिए डर्ट कलेक्ट कर रहा था, तो मैंने भी उसके साथ डर्ट कलेक्ट किया। और फिर हम डर्ट कलेक्ट करके वापस आने लगे और तभी हमारे पीछे क्रीपर आ गया। ओके वेट, आगे क्या हुआ जानने से पहले जान लेते हैं कि क्रीपर कहां से आया। तो मेरे दोनों भाइयों में से किसी एक भाई ने माइन करते समय पता नहीं क्यों ये होल बना रखा था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या करते हैं। ओके बैक टू द स्टोरी। तो फिर क्रीपर ने अपना काम किया और मेरे भाई साहब तो निकल गए। और जब तक कि मैं कुछ कर पाता एक और धमाका हो गया और फिर एक हड्डी पहलवान आ गए। तो फिर मैं पैनिक में कहीं भी ब्लॉक प्लेस करने लगा और किसी तरह अपना जान बचाया। मैं मोटापे और मेंटल हेल्थ से मरूं ना मरूं, लेकिन भाइयों की इन हरकतों से एक दिन मैं हार्ट अटैक से जरूर मर जाऊंगा। आई थिंक यही सही समय है इनके साथ गेम खेलना बंद करने का। इसके बाद मैं हेल्थ फुल करके बाहर निकला और फिर भाई को मरते हुए देखा और फिर खुद को मरते हुए देखा और फिर सुबह तक 2-3 बार और मरा। सुबह तक बेस में 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, यानी हमारी शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी। और भाई लोग तो दोबारा रिस्पॉन पॉइंट पे भी जा चुके थे। मैं बच गया था क्योंकि मैंने अपना बेड छुपा दिया था। इसके बाद मैंने सारे गड्ढे को फिल किया और कुछ ट्री भी ग्रो हो गए थे तो उनको चॉप किया। और फिर भाई के आने के बाद हमने वॉल बनाना शुरू किया और पूरे एरिया को टार्च से लाइट अप किया। डे 11 तक वॉल बनके कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी इन स्लाइम से छुटकारा नहीं मिला था। तो फिर मैंने सारे स्लाइम को मारा और फिर भाई ने बताया कि हर दूसरे ब्लॉक पे ग्रास पाथ बना दें तो स्लाइम स्पॉन नहीं होगा। तो फिर जहां जहां भी स्लाइम स्पॉन हो रहे थे वहां पे हमने यही किया। इसके बाद मैंने विलेज से वाटर लाने के लिए एक बकेट बनाया क्योंकि हमें अब फार्मिंग करनी थी, हम आउट ऑफ फूड हो रहे थे, इसके लिए हमें वाटर चाहिए था। तो फिर मैं विलेज में चल दिया और वहां से विलेजर के फार्म से वाटर को चोरी किया
और वापस आते समय मुझे भाई का हॉर्स दिखा तो मैं उसे लेके वापस आ गया। फिर मैंने अपने हॉर्स को भी ढूंढा और उसे भी लेके आया। इसके बाद मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाने लगा, लेकिन इसके लिए एक और बकेट वाटर चाहिए था। तो फिर मैं हॉर्स को लेके गया और एक और बकेट वाटर लेके आया और अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया। फिर मैंने एक फार्मिंग फील्ड बनाया और कुछ पोटैटो को प्लांट किया। और अभी तक भाई ने स्टोन माइन करने के लिए एक कॉबल स्टोन जनरेटर भी बना दिया था। इसके बाद मैंने फार्मिंग फील्ड को और एक्सपेंड किया और अभी भी स्लाइम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो मैंने सारे स्लाइम चंक पे एक ब्लॉक छोड़ के डर्ट प्लेस कर दिया। इसके बाद कुछ बोन के बोन मिल बनाया और कुछ वीट को ग्रो किया। फिर मैंने स्टोन का कुछ टूल्स क्राफ्ट किया क्योंकि हमारे पास आयरन नहीं था। सारे लोग टाइम के साथ अपग्रेड होते हैं और मैं डिग्रेड हो रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे दोनों भाइयों ने मेरा आइडेंटिटी चोरी कर लिया, मतलब क्या मजाक है ये। इसके बाद मैंने वीट और कुछ पोटैटो को लिया और कुछ एनिमल को लेने चल दिया। कुछ ही दूर पे मुझे 3 पिग मिल गए तो मैं उन्हें लेके वापस आने लगा, लेकिन सारे स्लाइम ने मिलकर मेरा बैंड बजा दिया। और हाँ, यदि इस वीडियो में मेरा एक्सपी एक पल ज्यादा और अगले ही पल 0 दिखे तो समझ लेना स्लाइम ने मेरा बैंड बजा दिया था, क्योंकि इस वीडियो में ये काफी होने वाला है। पिग को लाने के बाद फिर मैं शिप को लेने चल दिया क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारा वूल की जरूरत पड़ने वाली थी। कुछ ही दूर पे मुझे कुछ शिप भी मिल गए तो मैं उन्हें भी लेकर वापस आया और फिर उन्हें ब्रीड भी कराया। और ये सब करते करते डे 14 भी हो गया। तो फिर मैंने और मेरे एक भाई ने पूरी रात भर स्टोन को माइन किया और सुबह तक हमारे पास अच्छे खासे स्टोन कलेक्ट हो गए। डे 15 को मैं विलेजर्स लाने के लिए पास वाले विलेज में चला गया। वहां से मैंने एक विलेजर को बोट में एक बंदी बनाया और बेस की ओर चल दिया। और ये देख कर विलेजर्स की वाइफ भी उसके पीछे पीछे चल दी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो किसी और के साथ चली गई। तो ये देख कर विलेजर भाई सैड हो गए। चिंता मत करो विलेजर भाई, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बंदी लाऊंगा। और बताओ IPL में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? विलेजर से बातें करते करते मैं बेस के साइड जाने के बजाय अपोजिट साइड में चला गया और उस साइड बहुत सारे क्रीपर थे। हमें देखते ही एक क्रीपर हमारे साइड आने लगा। मैं विलेजर को बोट पे छोड़ के भाग गया और वो गधा विलेजर के साथ बोट पे ही बैठ गया। लेकिन मैंने विलेजर भाई को न्यू बंदी दिलाने का वादा किया था तो मैं उसे क्रीपर के साथ तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैंने अपने दोस्त के लिए फाइट करी। सेफली क्रीपर को मारा और दोनों भाई फिर बेस की ओर चल दिए। लेकिन हम बेस से ज्यादा दूर आ गए थे तो जाते जाते ही रात हो गई और बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए। एक स्पाइडर तो मेरे पीछे ही पड़ गया तो मुझे अपने दोस्त को छोड़ के वहां से भागना पड़ा। चिंता मत करना विलेजर भाई, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा और अपना वादा भी पूरा करूंगा। बेस पे वापस आने के बाद मैंने कुछ पोटैटो को हार्वेस्ट किया और कुक करने के लिए रख दिया और सो गया। सुबह होने के बाद फूड कलेक्ट किया और विलेजर को लेने चल दिया। दोपहर तक विलेजर को लेके बेस पे आ गया। अब मेरा दोस्त पूरी लाइफ मेरे यहाँ बंदी बना रहेगा। लेकिन बंदी से याद आया, इसके लिए बंदी भी लाना था। तो फिर मैंने एक और बोट बनाया और फिर से विलेज की ओर चल दिया और विलेज से एक और विलेजर को कैद किया और उसे बेस पे लेके आया। शाम तक हम बेस पे आ गए और आते ही वो सो गया। फिर मैंने भाई को विलेजर के लिए एक बंकर बनाने को बोला ताकि हम उसे ब्रीड करा सके। और मैं फिर से एक बार और विलेज में वापस गया क्योंकि मैंने विलेज में लाइब्रेरियन का हाउस देखा था, तो मैंने वहां से सारे बुक को कलेक्ट किया और वापस आ गया। वापस आके मैंने देखा कि भाई ने बंकर बनाने की जगह ये पता नहीं क्या बनाया था और मेरे दोस्त को उसमें बोट से ट्रांसफर कर रहा था। उसमें बोट ले जाने इतना स्पेस ही नहीं था, फिर भी ये बोट लेके गया और वॉल में सफोकेट करने लगा और फिर ये मर गया। मैंने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। फिर मैं थोड़ी देर शौक में रह गया। एक ही दोस्त था मेरा, मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन मेरे जल्लाद भाई ने मेरे आँखों के सामने उसे मार दिया। मेरा दोस्त तो जा चुका था तो अभी मुझे एक और विलेजर चाहिए था, तो मैंने विलेज से एक और विलेजर को उठाया और उसे बेस पे लेके आया। और जब तक मैं वापस आया दूसरा वाला विलेजर भी वापस भाग गया था, तो फिर उसे भी पकड़ के वापस लाया। डे 18 को मैंने विलेजर को बंकर के अंदर लाया और उन्हें सोने के लिए बेड दिया। और अब मेरा भाई से विश्वास उठ गया था तो मैंने खुद विलेजर के लिए एक बंकर बनाया और बंकर से अटैच ही एक फार्मिंग फील्ड भी बनाया ताकि विलेजर ऑटोमेटिक ब्रीड कर सके, हमें उन्हें फूड ना देना पड़े। इसके बाद एक विलेजर को फार्मर का जॉब दिया और उसे कुछ पोटैटो भी दिया। अभी अपना जनसंख्या वृद्धि वाला काम करेंगे। तब तक मैंने कुछ ट्री को चॉप किया
और फिर चेस्ट से स्मिथिंग टेबल लिया और अभी तक एक बेबी विलेजर भी आ गया था तो मैंने स्मिथिंग टेबल को उसके पास रखा ताकि ये बड़ा होकर टूल स्मिथ का जॉब ले। फिर मैंने कुछ स्टिक को सेल किया। इसके बाद हमें अपना ट्री फार्म वाला बिजनेस एक्सपेंड करना था लेकिन उससे पहले हमें आयरन की जरूरत थी तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम विलेजर ब्रीडर में एक जॉम्बी लेकर आएंगे ताकि वो आयरन गोलम को स्पॉन करे। तो मैंने वैसा ही किया, एक जॉम्बी लेकर आया लेकिन उसे देखकर सारे विलेजर ही भाग गए तो मुझे उसे मारना पड़ा। और अभी एक आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया था तो मैंने उसे भाई को मारने के लिए बोला और उसी रात में एक और जॉम्बी लाने गया और तभी मैंने एक वंडरिंग ट्रेडर को भी देखा। इसके बाद मैं जॉम्बी लेकर आया और उसे बोट में बैठाया और इस बार भी सारे विलेजर भाग गए तो फिर हमने जॉम्बी को कैद किया और विलेजर को फिर से पकड़कर वापस लाया। इसी बीच में मैंने वंडरिंग ट्रेडर को चेक किया और ये भी जंगल सेपलिंग ही दे रहा था तो मैंने भाई से उसे कुछ सेपलिंग को बाई करने के लिए बोला जो कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट ही हो गया तो इसका कोई फायदा हुआ नहीं। इसके बाद मैंने विलेजर को कुछ और पोटेटो दिया और फिर वो बोट में बैठे बैठे ही बच्चे कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। फिर हम जॉम्बी विलेजर को बाहर निकालने लगे क्योंकि उसे साइड में मूव करना था लेकिन ये बात गोलम भाई को शायद पसंद नहीं आया तो उन्होंने मेरा पीछे से बैंड बजा दिया। फिर मैंने दोबारा से जॉम्बी विलेजर को निकाला और उसे साइड में मूव करने लगा लेकिन नोटिस करने वाली बात यह थी कि जॉम्बी मुझे बोट में मार नहीं रहा था। मेरे गेम ने पता नहीं क्या लेकिन कुछ तो नशे कर रखे थे। बट एनीवे हमने उसे कंप्लीट किया और अच्छे से कोऑपरेट करने के लिए विलेजर को कुछ और पोटेटो दिया और अब आयरन गोलम भी स्पॉन हो रहे थे तो मैंने कुछ आयरन गोलम को मारा और फिर कुछ ट्री को भी प्लांट किया। इसके बाद मैंने बहुत सारा पोटेटो को हार्वेस्ट किया और उसे विलेजर को दे दिया ताकि ये खूब सारे बच्चे कर सकें क्योंकि फ्यूचर में हमें इनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने सारे कोबलस्टोन को लिया और खूब सारा फर्नेस बनाया और उसमें कॉबल स्टोन को स्मेल्ट करने के लिए डाला लेकिन उसके लिए मेरे पास फ्यूल ही नहीं था तो फिर मैंने कुछ वुड को चारकोल बनाने के लिए रखा और फिर ट्री फार्म के लिए एक बड़ा सा एरिया बनाने लगा। एरिया को कंप्लीट करते करते चारकोल रेडी हो गया तो मैंने स्टोन को स्मेल्ट करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि भाई ट्रेडिंग कर रहा था और इस गधे ने सारे विलेजर को फ्लेचर बना दिया था यानी अब कोई भी विलेजर फार्मर का जॉब नहीं कर रहा था तो अब इन्हें बच्चे करने के लिए मुझे खुद से खाना देना पड़ेगा जब तक कि कोई विलेजर बड़ा होकर फार्मर न बन जाए। फिर इसके बाद मैंने बहुत सारा वुड कलेक्ट किया और सारे सेपलिंग को दोबारा से प्लांट किया। ओके, तभी हमें इस साइड का भी वॉल को एक्सपेंड करना था क्योंकि हमें बेस बिल्ड करने के लिए और स्पेस चाहिए तो फिर मैंने एक न्यू वॉल बनाना शुरू किया। शाम तक ये वॉल बनके कंप्लीट हो गया। अगली सुबह मैं बीच वाले वॉल को रिमूव करने लगा तभी कुछ स्लाइम मेरे पीछे पड़ गए तो मुझे वहां से भागना पड़ा। इसके बाद मैंने उस एरिया को फिर से ब्लॉक कर दिया। फिर मैं विलेजर के पास चला गया और भाई ने बताया कि ये बच्चे नहीं कर रहे थे जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी तो फिर मैंने विलेजर के लिए बहुत सारा बेड लगाया और विलेजर को फूड दे के हम आउट ऑफ फूड हो रहे थे तो मैंने फार्मिंग फील्ड को और एक्सपेंड किया। फार्म को एक्सपेंड करने के बाद मैंने देखा कि मॉब गायब हो गया था बट हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वैसे भी अब आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे। फिर मैंने विलेजर के लिए और भी बेड लगाया और उन्हें और फूड दिया। अगली सुबह उन्होंने फाइनली बच्चे करने का ट्राई किया जो कि अच्छी बात थी लेकिन जो अच्छी बात नहीं थी वो ये है कि उन्होंने ट्राई करके ही छोड़ दिया, उन्होंने बच्चा किया ही नहीं। एक ही काम करना था इन गधों को और वो भी ये ठीक से नहीं कर रहे थे। अब हमें पता था कि ये बच्चे नहीं कर रहे हैं यानी कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है तो फिर मैं उसे फाइंड आउट करने लगा। थोड़ी देर फाइंड आउट करने के बाद मुझे लगा कि शायद रूफ की हाइट से ही कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार पहले भी हो चुका था तो फिर मैंने गूगल किया तो हाँ मैं सही था, हमें रूफ की हाइट 3 ब्लॉक रखना था लेकिन हमने गलती से 2.5 ब्लॉक रखा था तो फिर मैंने उसे फिक्स किया और जब मैं उसे फिक्स कर रहा था तब भाई उसे ट्रेडिंग कर रहा था क्योंकि हमें एमराल्ड की भी जरूरत थी। और रूफ को ठीक करने के बाद फाइनली उसी रात को एक बेबी विलेजर भी आ गया जिसको देख के मैं बहुत ही हैप्पी हो गया। इसके बाद मैंने मजदूरी करना शुरू किया, मैंने कुछ स्टोन को माइन किया, कुछ वुड को कलेक्ट किया, आयरन गोलम की कुटाई किया और अब हमारा बिजनेस भी चलना शुरू हो गया था तो मैंने और मजदूरी किया। इसके साथ ही ट्री फार्मिंग के लिए एक बड़ा सा एरिया भी बनाया और अभी तक एक विलेजर भी बड़ा हो गया और वो आर्मरर बन गया था लेकिन मैंने उसे टूल स्मिथ बनाया और उसे अपग्रेड करने लगा। एक्सपर्ट लेवल पर डायमंड का एक्स और सवल दे रहा था जिसमें कुछ खास तो इंचेंटमेंट नहीं था बट मैंने उसे कुछ एक्स और सवल को बाई किया और उसे मास्टर लेवल तक अपग्रेड किया और मास्टर लेवल पे वो डायमंड का एक्स सेल कर रहा था और उसमें भी केवल अनब्रेकिंग ही था बट कोई नहीं, डायमंड का था बस हमारे लिए यही काफी था तो मैंने उसे एक पिकेक्स बाई किया। फिर मैंने चेस्ट से सारे लावा को लिया और अब मुझे इंचेंटिंग टेबल बनाने का नशा चढ़ा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो हाँ, मैंने लावा को लिया और स्पीड रन स्टाइल में मैंने फटाफट नेदर पोर्टल बनाया। लेकिन एक सेकंड, इस ब्लॉक को एक्टिवेट कैसे करूंगा? फ्लिंट तो है ही नहीं मेरे पास। वेट, एक आइडिया है मेरे पास, लावा का यूज करके भी इसे शायद एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने स्पीड रन में लोगों को ये करते हुए देखा है, बस एक काम कर जाए। एक सेकंड, ये यहाँ नहीं जाएगा, इसको हटा देता हूँ। आई थिंक अब ये काम करेगा, अब मुझे बस वेट करना है। लेकिन ऑफ कोर्स मुझसे वेट नहीं हो रहा था तो मैं अलग अलग जगह पे लावा को प्लेस करने लगा और फाइनली किसी तरह आग लगी और पोर्टल एक्टिवेट हो गया। तो फिर मैंने सारे बकेट को लिया और डे 32 को मैं नेदर चला गया।
हर बार की तरह इस बार भी मेरा रिस्पॉन्स सबसे घटिया जगह था। मतलब ट्री के ऊपर किसका पोर्टल होता है यार, बट इसका कुछ कर नहीं सकते थे, जो था यही था। मैंने वहाँ से सारे बकेट में लावा कलेक्ट किया, फिर मैं ग्रेवल ढूंढने लगा, लेकिन ग्रेवल की जगह मुझे गोल्ड नगेट मिल गया तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया और कुछ क्रिम्सन स्टीम को भी कलेक्ट किया। फिर मैं वापस आने के लिए पोर्टल के पास आया और तभी मैंने दूर ग्रेवल देखा, तो फिर मैं ग्रेवल कलेक्ट करने चल गया। लेकिन मैं नेदर में गया और मरा नहीं तो मेरी किस्मत बुरा मान जाएगा। बट एनीवे मैं फिर से नेदर गया, किसी तरह मैंने अपने सारे सामान को कलेक्ट किया और बचते बचाते मैं ग्रेवल के पास गया। वहां से मैंने सारे ग्रेवल को कलेक्ट किया, मेरे पास 50 ग्रेवल और 9 फ्लिंट हो गए थे जो कि मेरे लिए इनफ था। तो फिर मैं वापस आ गया। वापस आके मैंने इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए 4 लावा का ऑब्सीडियन बनाया और उसे माइन करके कलेक्ट किया। फिर मैंने चेस्ट से बुक लिया और इंचेंटिंग टेबल बनाने लगा। मुझे रेसिपी नहीं आता तो मैंने सर्च किया, लेकिन वो नहीं आया। मुझे लगा कि गेम ने फिर से कुछ नशे कर लिए हैं। तो फिर मैंने गूगल पे इंचेंटिंग टेबल का रेसिपी चेक किया, तो मैंने देखा कि इंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए 2 डायमंड भी चाहिए था, और इस वर्ल्ड में तो हमने डायमंड का शक्ल भी नहीं देखा था। यानी मैं फालतू का कब से मेहनत किए जा रहा था। और इससे भी फुद्दू बात यह थी कि जब मैंने भाई को बताया कि हम इंचेंटिंग टेबल नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास डायमंड ही नहीं है, तो भाई बोला कि भिलेरस से डायमंड का टूल्स बाई कर ले और उसे स्मेल्ट कर ले, उससे डायमंड मिल जाएगा। अब तुम लोग सोच सकते हो कि हम भाइयों का गेम नॉलेज किस लेवल पर है। बट एनीवे इंचेंटिंग टेबल का हमारा सपना तो सपना ही रह गया। बट हमारे पास अभी विलेजर वाला ऑप्शन बचा था और अभी भाई ने एक विलेजर को लाइब्रेरियन भी बना दिया था और वो सिल्क टच दे रहा था। फिर मैंने 2 और फ्लेचिंग टेबल बनाया और विलेजर के पास लगाया। इसके बाद कुछ आयरन गोलम को मारा और आयरन कलेक्ट किया क्योंकि मुझे एक बड़ा वाला कोबल स्टोन मशीन बनाना था, तो उसके लिए फिर मैंने सारा मटेरियल्स कलेक्ट किया और उसे बनाया। मशीन तो बन के कम्प्लीट हो गया था, लेकिन इसे फुल्ली एफिशिएंटली काम करने के लिए हमें एफिशिएंसी 5 का पिकैक्स चाहिए था। तो फिर मैंने लेक्टर्न लिया और ब्लेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देने लगा। कुछ देर ही ट्राई करने के बाद ये मेंडिंग की बुक दे रहा था और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे, लेकिन मुझे बस एफिशिएंसी चाहिए था तो मैंने उसे मेंडिंग नहीं लिया। इसके बाद और भी बेबी ब्लेजर बड़े हो गए तो मैं उन सबको जॉब देने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सब नखरे करने लगे। तो फिर मैंने इनको जॉब देने के लिए एक टॉर्चर रूम बनाया, लेकिन चिंता मत करो यहाँ पे इन्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा जब तक ये तमीज से जॉब पकड़ेंगे। फिर मैंने फर्स्ट जॉब हायरिंग के लिए बहुत सारे ब्लेजर्स को पकड़ के लाया, जिसमें मुझे लूटिंग 3, इन्फिनिटी और एक अच्छे प्राइस पे एफिशिएंसी 5 मिल गया। फिर मैंने सेकंड राउंड हायरिंग शुरू किया, लेकिन इस बार मुझे केवल अनब्रेकिंग 3 मिला क्योंकि जॉब देते समय गलती से एक ब्लेजर को लग गया और वो मर गया, जिसके बाद सारे ब्लेजर ने प्राइस बढ़ा दिया तो मैंने उन्हें वहीं पे छोड़ दिया। बट कोई नहीं, जो बुक हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था। तो फिर मैंने बहुत सारे आयरन गोलम को मारा और एक एनविल क्राफ्ट किया और अपने पिकैक्स में सिल्क टच और एफिशिएंसी 5 का बुक लगाया। फिर मैंने बेस बनाने के लिए स्टोन कलेक्ट करना शुरू किया। फिर सारे स्टोन का स्टोन ब्रिक बनाया और डे 38 को मैं बेस बनाने के लिए आउटलाइन बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने एक छोटा सर्कल बनाया और उसके बाद उससे बड़ा सर्कल बनाया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना अच्छा सर्कल बनाया था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मैंने उसे बेस के साइड में बना दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे इसे फिर से रिमूव करना होगा। इसके बाद मैंने प्लेटफार्म के साइड में फेंस लगा के एक छोटा सा एरिया बनाया और सारे एनिमल को वहाँ पे मूव किया। फिर बीच से सारे फेंस को रिमूव किया और फिर सर्कल को भी रिमूव किया और फिर से सर्कल बनाया, लेकिन वो गलत बन गया तो उसे फिर से बनाया। फिर सर्कल के सामने ही एक बड़ा सा रेक्टेंगल एरिया बनाया और इसके लिए मैंने साइड वाले वॉल को भी और एक्सपेंड किया। आई नो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा और वैसे भी बेस बिल्ड करना बहुत ही बोरिंग होता है, बट मैं स्पेशल हूँ तो मैं तुम लोगों को बोर नहीं करूँगा, आई होप सो। तो ये है हमारे बेस का बेसिक ब्लूप्रिंट, और हाँ अभी भी मैं MS पेंट ही यूज करता हूँ। और प्लीज कमेंट में कोई मत बताना, आई नो मैं गॉड लेवल का आर्टिस्ट हूँ, थैंक यू। ओके तो अभी ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो ये है वो सर्कल जो मैंने बनाया था। इसके बीच में हम बनाएंगे एक कस्टम ट्री जिसके चारों ओर पानी का तालाब होगा और उसके चारों ओर एक सुंदर सा गार्डन होगा। और फिर ये है वो रेक्टेंगल एरिया जहाँ पे हम बनाने वाले हैं कैसल। हाँ सही सुना, हम कैसल बनाएंगे। कैसल के चारों ओर होगा टावर और ये सब है वॉल। उसके अंदर होगा ट्रेडिंग हॉल, हमारा हाउस और एक बीकन और बहुत कुछ। कैसल के दोनों साइड होगा क्रिम्सन फॉरेस्ट और वॉर फॉरेस्ट, और इसका गेट होगा गार्डन के साइड। गार्डन के दोनों साइड होगा फार्मिंग फील्ड और ये सब ट्री फार्म है, और ये सब स्टोन के वॉल से घिरा होगा। लेकिन इंड में एग्जैक्टली बेस ऐसा नहीं था, हमने कुछ चेंजेस किया था, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। बट अभी हमें इसे बिल्ड करने के लिए बहुत सारा मटेरियल चाहिए था, तो फिर मैंने मटेरियल्स कलेक्ट करना शुरू किया। आई थिंक इतना से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 4 विलेजर को मेसन का जॉब दिया ताकि मैं उनसे ब्रिक ट्रेड कर सकूं। फिर मैंने सारे ब्रिक का ब्रिक्स बनाया और डे 44 को मैं कैसल बनाना शुरू किया। We'll be right back.
ओके तो अभी हो गया है डे 54, यानी इसे बनाते हुए हमें 10 डेज लग चुके हैं और इसमें इतना ज्यादा मटेरियल लग गया कि हमारी हालत खराब हो गई। बट एनीवे हमने वॉल और टावर को कंप्लीट कर दिया है और ये देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गेट मुझे बनाने नहीं आया। मैंने ट्राई किया बट यही है जो है। और हाँ, कैसल बनाते समय एक वंडरिंग ट्रेडर भी आया था जो कि मास ब्लॉक और रेड सैंड दे रहा था, तो मैंने उसे कुछ चीजें बाई किया था। मैंने सोचा ये भी मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग क्रिएटिव बोलेंगे। ओके तो कैसल का वॉल कंप्लीट करते करते मेरे एक्स की हालत खराब हो गई थी, तो मैंने टूल स्मिथ से एक और एक्स बाई किया। इसके बाद मैं फिर ट्रेडिंग हॉल बनाना शुरू किया। ट्रेडिंग हॉल को मैं क्लासिक ट्रेडिंग हॉल की तरह नहीं बनाना चाहता था, मैं इसे छोटे छोटे शॉप की तरह बनाना चाहता था जैसा कि ये बना था, और ये मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। लेकिन मुझे ऐसा दो और बनाना था तो मैंने उसे भी बना के कम्प्लीट किया। डे 59 की रात तक ये भी बन के कम्प्लीट हो गया और ये बनने के बाद काफी सही लग रहा था। जब तक कि मैं ट्रेडिंग हॉल बना रहा था, एक भाई ट्री बना रहा था और इस गधे ने केवल अभी इतना ही बनाया था, और एक भाई पता नहीं क्या कर रहा था। बस मुझे इतना पता है कि उसका कैरेक्टर चेंज हो गया था और स्लाइम ने हमारे सारे फार्मिंग फील्ड को खराब कर दिया था, तो वो उसे ठीक भी किया। इसके बाद मैं ट्री के चारों ओर तालाब बनाने के लिए डर्ट रिमूव करना शुरू किया, साइड वाले वॉल को स्टोन से फिल किया, लेकिन एक टाइप का स्टोन अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर बीच में मैंने स्टोन, स्मूथ स्टोन और कोबल स्टोन लगाया। इसके बाद भाई को ट्री कंप्लीट करने के लिए वूल चाहिए था, तो फिर मैं वूल कलेक्ट किया, शेप को ब्रीड किया और फिर से वूल कलेक्ट किया। इसके बाद मैं नेदर गया और वहां से कुछ ग्लो स्टोन को कलेक्ट किया और कुछ श्रूम लाइट को भी कलेक्ट किया और वापस आके दोबारा वूल कलेक्ट किया। इसके बाद मैंने और भी फेंस लगाया और अब मुझे और भी शिप चाहिए था। फिर मैंने और भी शिप को पकड़ा और उसे लेकर आया और उनकी ब्रीडिंग कराया और एक जॉम्बी से मार खाया। फिर मैं लाइट ब्लू डाई बनाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल किया और कुछ शिप के जीवन में रंगरलिया भरी। इसके बाद मैं फिर से वूल कलेक्ट करना शुरू किया और भाई ट्री को कंप्लीट किया। लाइट ब्लू वूल का यूज मैं तालाब के अंदर कर रहा था ताकि वाटर थोड़ा डीप लगे, केवल इस चीज के लिए ही मैंने 3 दिन बर्बाद किया। फिर मैंने सारे तालाब को वाटर से फिल किया और उसे कंप्लीट किया। जब तक हम ये सब कर रहे थे, हमारा दूसरा भाई ट्री चॉप कर रहा था और उसके साथ ही एमरल्ड के लिए ट्रेडिंग भी कर रहा था, क्योंकि हमें बहुत सारे एमरल्ड की जरूरत पड़ने वाली थी। अब ये ट्री कंप्लीट हो गया और हम बिल्ड वाला काम भी करके बोर हो गए थे और हम कुछ अमीर भी हो चुके थे, तो फिर मैंने कुछ और एम्प्लॉय को हायर किया और उनसे मैंने अनब्रेकिंग 2 लिया क्योंकि वो बहुत ही सस्ता प्राइस पे मिल रहा था, मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4 लिया। मुझे फेदर फॉलिंग भी चाहिए था लेकिन उस समय वो नहीं मिला, लेकिन बाद में ये मिल गया था। तो फिर मैंने और ट्रेड किया और आर्मरर को अपग्रेड करना शुरू किया। जर्नीमैन लेवल पे वो डायमंड और लावा बाई कर रहा था, तो फिर मैंने नेदर से कुछ लावा लाया और उसे सेल किया और फिर उसे मास्टर लेवल तक अपग्रेड करके उसे 3 सेट डायमंड आर्मर बाई किया। और इन सब में भी एकदम फुद्दू ही इंचांटमेंट था, यानी अब हमें इन सब में भी इंचांटमेंट लगाना था। तो फिर हम और ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए मैंने बहुत सारा ट्री प्लांट किया, ग्रेवल से फ्लिंट बना के 4 और फ्लेचर बनाया। इसके बाद मैं स्टोन माइन करने लगा और भाई लोग ट्री चॉप करने लगे। मैंने सारे स्टोन को सेल कर दिया और स्टिक को भी सेल किया और अमीर हुआ। इनफ अमीर होने के बाद मैंने बहुत सारा अनब्रेकिंग 2, फेदर फॉलिंग और प्रोटेक्शन 4 का बुक बाय किया और गरीब हुआ। इसके बाद मैंने अपना 1 सेट आर्मर लिया और उसमें इंचांटेड बुक लगाना शुरू किया, लेकिन मेरा एक्सपी ही कम पड़ गया। तो फिर मैं अपने चलते फिरते एक्सपी फार्म पे चला गया। ये काम तो सही कर रहा था लेकिन इसमें जान का थोड़ा खतरा था। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैंने सारे इंचांटेड बुक को सारे बुक को लगाया और अब मैं फुल्ली डायमंड के आर्मर में कवर हो चुका था, वो भी एक ठीक ठाक इंचांटमेंट के साथ। अभी हम 2 भाई तो अमीर हो गए थे, लेकिन अभी भी मेरा 1 भाई गरीबों की तरह मजदूरी कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा समाज में बहुत ही इज्जत खराब हो रहा था, जो कि है भी नहीं। बट एनीवे वहां नहीं जाते हैं, वो अलग ही टॉपिक है। तो फिर मैंने कुछ और ट्रेडिंग किया और एक्सपी कलेक्ट किया। इसी बीच मैंने एक फार्मर को भी मास्टर लेवल तक अपग्रेड किया और भाई के भी आर्मर पे इंचांटमेंट लगाया और उसके मुंह पे फेंक के मारा। अब हमारा डायमंड आर्मर का तो चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हम इंडर ड्रैगन को मारने की भी तैयारी शुरू किए। मैंने एक आयरन का स्वॉर्ड बनाया, लूटिंग 3 का बुक बाई किया और एक बो और एरो भी बाई किया, और बो में मैंने इन्फिनिटी लगाया, स्वॉर्ड में लूटिंग 3 और नॉकबैक लगाया। ये नॉकबैक भी मुझे किसी ब्लेयर से ही मिला था। डे 79 तक हम नेदर में जाने के लिए फुली रेडी हो गए। इसके बाद मैं नेदर चला गया और मैंने देखा कि मेरा हॉर्स नेदर में घूम रहा था, तो मैंने उसे वापस लाने की कोशिश किया लेकिन वो आया नहीं, तो मैंने उसके सेफ्टी के लिए वहीं पे उसे कैद कर दिया ताकि
वो लावा में ना गिरे। इसके बाद मैंने पोर्टल को सेव किया क्योंकि घोड़ा लावा में गिरे ना गिरे मेरे गधे भाई लावा में जरूर गिर जाएंगे। फिर भाई लोग भी आ गए तो हम नेदर पोर्टल ढूंढने चल दिए। थोड़ी ही दूर पे मुझे एक रुइंड पोर्टल मिला जहाँ पे गोल्ड ब्लॉक था, तो मैंने उसे चोरी किया और 80,000 का एक जूता बनाया। इसके बाद 200 ब्लॉक ही जाने पे हमें नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया, लेकिन मुझे वो दिख ही नहीं रहा था तो मैं आगे चला गया। फिर भाई ने बताया कि वो फोर्ट्रेस पीछे ही है। आई थिंक इस टाइम तक मैं अंधा भी हो गया था। फिर मैं फोर्ट्रेस पे गया और अंदर जाते ही मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें से मुझे केवल एक फ्लिंट एंड स्टील ही मिला। फिर मैं फोर्ट्रेस को एक्सप्लोर करने लगा और वहां से मैंने कुछ नेदर वर्ड कलेक्ट किया और थोड़ी देर पे मुझे एक ब्लेज स्पॉनर भी मिल गया, तो मैं ब्लेज मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने लगा। और लूटिंग 3 की वजह से थोड़ी देर में मेरे पास 28 ब्लेज रॉड कलेक्ट हो गए। तो फिर मैं फोर्ट्रेस को लूटने लगा। पहले चेस्ट से ही मुझे गोल्ड हास आर्मर और 2 सेडल मिल गया। फिर एक चेस्ट से फर्स्ट पीस डायमंड मिला और फिर एक और डायमंड मिला। अब मेरे पास 2 डायमंड हो गए थे, यानी अब मैं इंचांटिंग टेबल बना सकता था। इसके बाद नेदर फोर्ट्रेस के पास ही सोल सैंड वैली था, तो वहां पे मैं बोन ब्लॉक कलेक्ट करने जा रहा था। तभी मेरे पे 2 विदर ने हमला कर दिया और मैंने उन्हें मार दिया, और उन्हें मारते ही मुझे एक विदर स्केल्टन स्कल भी मिल गया। इसके बाद भाई का ज़ॉम्बी पिगलिन से मैटर हो गया, तो मैं उसे बचाने गया और तभी एक और विदर स्केल्टन आ गया और उसे मारने पे एक और स्कल मिल गया। तो अभी मेरे पास 2 विदर स्केल्टन स्कल हो गया था और हमें विदर स्पॉन कराने के लिए केवल 3 स्कल चाहिए होता है। तो फिर मैंने और स्केल्टन को मारने लगा और केवल 4-5 स्केल्टन मारने पे ही मुझे एक और स्कल भी मिल गया। तो अभी मेरे पास 3 विदर स्केल्टन स्कल हो गया था। तो फिर मैं बहुत सारा बोन ब्लॉक कलेक्ट किया। मेरे पास 3 स्टैक बोन ब्लॉक कलेक्ट हो गया और कुछ बोन ब्लॉक भाई लोगों ने भी कलेक्ट किया था। तो फिर हम लोग पोर्टल के पास वापस आने लगे। वापस आते समय भाई ने कुछ मेगमा ब्लॉक को भी कलेक्ट किया। Day 2 को हम वापस आ गए। इसके बाद मैंने अपना सारा सामान चेस्ट में रखा और अभी हमें एक बार और नेदर जाना था क्योंकि हमें इंडर पर्ल भी चाहिए था। तो मैंने कुछ गोल्डन कैरेट बाय किया। फिर मैंने दोनों भाइयों को नेदर चलने के लिए बोला, तो एक ने बोला कि मैं नेदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे इंडर मैन स्पॉन करा के इंडर पर्ल कलेक्ट करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है तू कर ले, और फिर मैं नेदर चला गया। एक भाई मेरे साथ नेदर चलने के लिए तैयार हुआ, तो फिर हम दोनों भाई वार्प फॉरेस्ट ढूंढने लगे। 30 मिनट तक नेदर में घूमने के बाद हमें वार्प फॉरेस्ट नहीं मिला, लेकिन हमें एक और नेदर फोर्ट्रेस मिल गया। तो फिर मैं नेदर फोर्ट्रेस में गया, वहां मुझे एक चेस्ट मिला जहां से मुझे आयरन सेडल और 2 और डायमंड मिल गया, और कुछ और भी चेस्ट मिले उनसे भी मुझे कुछ लूट मिला। इसके बाद मैंने एक विदर को मारा और एक और स्कल मिल गया। फिर मैंने लूट को कंटिन्यू किया और तभी एक और विदर मारा और एक और विदर स्केल्टन स्कल मिल गया। मुझे नहीं पता था इस वर्ड में क्या था, शायद मैं कुछ ज्यादा ही लकी था, लेकिन ये लक केवल फोर्ट्रेस तक ही सीमित था। इसके बाद आगे जाते ही मेरा ज़ॉम्बी पिगलिन से मैटर हो गया, तो उसकी पूरी फैमिली ने मेरे पे हमला कर दिया। मैं वहां से किसी तरह बचा तो आगे जाके मैं लावा में गिर गया। ओके, तो अब मैं क्या बोलूं, सब्सक्राइब प्लीज। ओके, अब जो हो गया सो हो गया, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं कर सकता था वो था चोरी। आप लोगों को याद होगा मेरा एक भाई नेदर नहीं गया था और वो अभी इस वर्ल्ड में भी नहीं था, तो फिर मैंने उसकी आईडी लॉगिन करी और उसके सारे टूल्स और आर्मर को चोरी कर लिया। आई नो चोरी करना गंदी बात है, लेकिन मैं इंसान ही गंदा हूँ तो मैं क्या करूँ। बट एनीवे मैं फिर से नेदर गया और वापस अपने लास्ट लोकेशन पर गया। और अभी तक भाई ने वार फॉरेस्ट ढूंढ लिया था, तो फिर हम वहां चले गए और भाई को तो हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अचीवमेंट भी मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिला जबकि मैं लावा में भी तैर रहा था। फिर इसके बाद मैं इंडर मैन को मार के इंडर पर्ल कलेक्ट किया और भाई ने वार्प लाइनिंग को कलेक्ट किया और साथ में मैंने कुछ वार्प स्टीम को भी कलेक्ट किया और कुछ और इंडर मैन को मारने में मेरे पास 12 इंडर पर्ल कलेक्ट हो गए और 2 इंडर पर्ल हमें ओवरवर्ल्ड में भी मिल चुका था। तो अब हमारा काम हो चुका था, तो फिर हम लोग पोर्टल के पास वापस चल दिए। रास्ते में मैंने कुछ और बोन ब्लॉक को भी कलेक्ट किया और फिर हम ओवरवर्ल्ड में आ गए। वापस आके मैंने चेक किया तो डे 88 हो गया था। तो फिर मैंने 2 ब्रूइंग स्टैंड बनाया और एक लाइब्रेरियन को अपग्रेड किया ताकि वो ग्लास का ट्रेड करे, लेकिन वो स्वीपिंग एज दे रहा था। तो फिर मैंने चेस्ट से रेड सैंड लिया और मुझे नहीं पता था कि इससे ग्लास बनता है कि नहीं, फिर भी मैंने ट्राई किया और ग्लास बन गया। तो फिर मैंने फटाफट उसे स्मेल्ट किया और पोशन बनाना शुरू किया। मैंने कुछ नाइट विजन और कुछ स्टेंट का पोशन बनाया और 12 आईज ऑफ इंडर भी क्राफ्ट किया। इसके साथ ही मैंने भाई के बूट में एक फेदर फॉलिंग 2 का बुक भी लगाया और उसे फेदर फॉलिंग 3 किया और बो में भी इन्फिनिटी लगाया और फिर आईज ऑफ इंडर फेंका तो वो बहुत ही दूर गया, यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ही दूर था। तो इसके बाद मैं अपने हॉर्स को लेने के लिए नेदर चला गया, जिसको लाने में उसकी मौत भी होने वाली थी, केवल वो 3 हार्ट पे बच गया, तो मैंने उसे थोड़ा सा खाना खिलाया। फिर मैंने अपने सॉर्ड को रिपेयर किया और सारे पोशन को लिया और इसके साथ ही मैंने विदर को स्पॉन कराने का आइटम भी लिया और डे 90 को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर चल दिए।
पूरे दिन ट्रेवल करने के बाद फाइनली हम स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंच गए। इस वर्ल्ड में पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड ही हवा में फ्लोट कर रहा था और स्ट्रॉन्ग होल्ड से एक जगह से वाटर गिर रहा था, तो हम उसी का यूज करके ऊपर गए। फिर मैं ब्रिजिंग करके पोर्टल वाले रूम में जाने लगा और तभी मेरा लैपटॉप लैग हुआ और एक सिल्वर फिश ने मुझे धक्का मार दिया और फिर मैं नीचे लेवल 3 हार्ट पे बचा था। और तभी मेरे पीछे एक क्रीपर भी फट गया और मेरा भी फट गया। मैं किसी तरह वहां से जान बचा के भागा। मुझे लगा मैं तो गया, लेकिन मैं किसी तरह बच गया। वैसे भी इस वर्ल्ड में मेरी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। बट एनीवे मैं फिर से पोर्टल वाले रूम में गया और भाई तो पहले ही चला गया था। तो फिर मैंने फटाफट पोर्टल को एक्टिवेट किया और डे 90 की रात को ही हम इंड में चले गए और फिर हमने वहां पे अपना काम शुरू किया। ओके फर्स्ट ट्राई, ओके फिर से फर्स्ट ट्राई, Nope. अरे यार लग जाना भाई। Nope. अबे तेरी तो, अरे नहीं 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 नहीं, थैंक गॉड अभी मेरा लंका लग गया होता। सर प्लीज अपना पल मुझे दे दो, थैंक यू। वो चिल मुझे थोड़ा सा भाग लेने दे। ओ फंस गया ना, अब तेरा क्या होगा। ये मर गया, कितना आसान था इसके मारना। अरे अरे ये क्या हुआ, एक सेकेंड एक्सपी किधर गया। अबे क्या मजाक है ये, अरे एक्सपी तो दे दो यार माइनक्राफ्ट। क्या ये एक्सपी किधर है मेरा। तो एक्सपी तो अब जा चुका था, मैं बहुत ही कंफ्यूज था एक्सपी किधर गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद मैंने ड्रैगन एग को भी ले लिया और कुछ इंडिस्टोन को भी माइन किया। फिर मैंने एक फ्लोटिंग होते हुए ऑब्सिडियन टावर को देखा। ट्रस्ट मी मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे ये ऐसे ही मिला। फिर मैंने बेडरॉक के नीचे वीदर को स्पॉन किया और फिर मजे से उसे मारा। हाँ? इसके बाद हम इलाइट्रा लेने नहीं गए और हम वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास वैसे भी शुगर कैन नहीं था तो हम रॉकेट नहीं बना सकते थे, तो हमारे लिए इलाइट्रा किसी काम का नहीं था। इसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग होल्ड को लूटा लेकिन वहां से मुझे कुछ खास नहीं मिला, तो फिर मैं वापस नीचे आ गया और उसके बाद मैंने अपने हॉर्स लिया और वापस बेस की ओर चल दिया। डे 92 की रात तक हम बेस पे वापस आ गए थे। वापस आके मैंने फटाफट बीकन क्राफ्ट किया और खुशी के मारे उसी पे उछलने लगा, लेकिन असली खुशी तब होती जब मैं उसे मैक्स बना के एक्टिवेट करता। तो फिर मैंने मैक्स बीकन बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने बहुत सारा ट्री प्लांट किया और फिर उसे चॉप किया और उसका स्टिक बना के विलेजर को ट्रेड किया और खूब सारा एमराल्ड कलेक्ट किया। फिर मैंने सारे एमराल्ड का एमराल्ड ब्लॉक बनाया और फिर बीकन बिल्ड किया। ओके रेडी फॉर द बिग रिवील। आई एम सॉरी यार, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि इसे मैक्स कर सकूँ। यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर भी एक आयरन ब्लॉक ही लगाया है, बट कोई नहीं, एटलीस्ट मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो अभी मुझे मिलेगा हेज और स्पीड, तो मैं स्पीड ले लेता हूँ। अब तो मैं उसन बोल्ट से भी तेज भाग सकता हूँ और आसानी से पार्कोर भी कर। एक सेकेंड, हाँ तो आसानी से। अरे यार देखो, एक सेकंड रन अप लेके आता हूँ और आसानी से पार्कोर भी कर सकता हूँ। अरे यार क्या ये, मैं कर क्यों नहीं पा रहा। ओके हो गया, अब वापस। अरे ओके, तो अभी हमें बेस को बिल्ड करके कंप्लीट करना है, ना कि पार्कोर करना है। लेकिन ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा। ओके अभी हो गया है डे 93 और अभी हमारे बेस में हमने केवल ट्री को और ये कैसल के वॉल को ही कंप्लीट किया है और स्लाइम ने तो हमारा फसलों को फिर से बर्बाद कर दिया है। तो अभी हमें इन सबको फिर से ठीक करना होगा और अभी हमें इसे कुछ इस तरह का बनाना है। तो अभी हमारे पास बहुत ही काम है, हमारे पास सोने के लिए भी टाइम नहीं है। और इसके बाद मैं सो गया। सुबह तक हमारा सारा ट्री ग्रो हो गया था और मजदूर भाई था नहीं तो मुझे खुद ही ट्री को चॉप करना पड़ा। लेकिन ट्री को चॉप करते करते मैं थक गया तो मैंने एक और मजदूर हायर कर लिया। चल भाई ट्री काटना शुरू कर। तो अभी न्यू मजदूर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने और भी बहुत सारे ट्री को प्लांट कर दिया। इसके बाद मैंने वुड का स्टिक बनाया और फिर ट्रेड करना शुरू किया।
और फिर विलेजर से बहुत सारे ब्रिक को बाई किया। इनफ ब्रिक हो जाने पर मैंने उन सबका फिर ब्रिक्स बनाया और अपने सिक्योरिटी के लिए दो आयरन गोलम को भी पकड़ के कैसल के अंदर लाया। डे 96 को मैंने अपने मजदूर के साथ मिलकर अपना हाउस बिल्ड करना शुरू किया। और हाउस को बिल्ड करते करते ही मजदूर रिजाइन करके भाग गया, तो हाउस के डेकोरेशन का काम मुझे सारा अकेला ही करना पड़ा। ओके, तो अभी हो गया है डे 111 और हमारा हाउस कंप्लीट हो गया है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा टूर दे देता हूँ। तो गेट के सामने ही है हमारा स्टोरेज और सारे टाइप के स्मेल्टर, इसके साइड में ही हमारा बेडरूम चार कलर के रंगीले बेड वाला, और इसके साथ ही ऊपर भी एक रूम है जो कि अभी खाली है लेकिन ये भी फिल हो जाएगा। और जब तक मैं हाउस को बिल्ड कर रहा था, भाई ने बीच में एक फाउंटेन और एक कूल सा देखने वाला ये कुछ तो बना दिया था। इसके बाद मैंने वॉल के रूफ पे जाने के लिए एक स्टेयर बनाया और अपने हॉर्स के लिए एक अस्तबल बनाया, सारे रास्ते पे स्टोन लगाया। डे 117 तक ये सब बनके कंप्लीट हो गया। ओके, तो अभी एक प्रॉब्लम हो गई है, डे 117 को ये सब बिल्ड हो गया था तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद किया, और इसके बाद अभी हो गया है डे 120 और लास्ट के 3 डेज का रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं जिस ड्राइव में रिकॉर्डिंग कर रहा था वो फुल हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया तो लास्ट 3 डेज का रिकॉर्डिंग गायब हो गया। लेकिन उन दिनों में हमने कुछ खास नहीं किया था, बस मैंने सारे ब्लेजर को बाहर से उनके शॉप में मूव किया है और हे बेल मास ब्लॉक और कुछ फ्लावर का यूज करके सबको डेकोरेट किया है, और इसके साथ ही मैंने अपने हॉर्स को भी अंदर किया है। और हमारा एक हॉर्स फिर से नेदर में चला गया था और भाई ने बताया कि वो वहीं पे मर गया, तो अभी हमारे पास केवल एक ही हॉर्स बचा है। और इसी के साथ कैसल के अंदर का सारा बिल्ड कम्प्लीट हो गया और रिजल्ट से मैं काफ़ी खुश था, लेकिन अभी भी हमारा बाहर वाला बिल्ड पूरा ही बचा था। तो फिर हम फिर से काम शुरू किए। सबसे पहले हमने ओल्ड विलेजर के बंकर को रिमूव किया और फिर स्टोन को माइन करना शुरू किया। मैंने बहुत सारा स्टोन माइन किया और फाइनली इसी बीच हमारा दूसरा भाई भी गेम ज्वाइन कर लिया, और अभी भी ये इंसान केवल ट्री पे ही लगा था। इस पूरे वीडियो में केवल ये ट्री ही बना रहा था। पूरे दिन स्टोन माइन करने के बाद जब मेरे पास इनफ स्टोन कलेक्ट हो गया तो फिर हम चारों साइड के वॉल को स्टोन से बनाना शुरू किए। डे 128 तक ये भी बनके कंप्लीट हो गया और इसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग गया था। और इसी बीच भाई ने एक वंडरिंग ट्रेडर से कुछ पंपकिन को भी बाई किया था जो कि हमारे डेकोरेशन के काम आएगा। इसके लिए भाई ने और पंपकिन को प्लांट भी कर दिया। फिर हमने प्लेटफार्म के सारे गड्ढे को फिल किया और मेन इधर से कुछ क्रिम्सन लाइनियम को कलेक्ट करके लाया, और फिर हमने कैसल के एक साइड वार्प फॉरेस्ट और दूसरे साइड क्रिम्सन फॉरेस्ट बना दिया। इसके बाद बाहर के सारे चेस्ट को रिमूव किया और उसके सारे आइटम को घर के अंदर ट्रांसफर किया। डे 135 को मैंने फार्मिंग फील्ड बनाने के लिए एरिया को क्लीन किया और फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया। अब हमारे बेस का मोस्टली बिल्ड कंप्लीट हो गया था और ये देखने में काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन अभी भी हमारा गार्डन बिल्ड करना रह गया था। इसके बाद मैंने दो फ्लेचर को उनके शॉप से निकाला और उन्हें अपने घर के सेकंड फ्लोर पर ट्रांसफर करने लगा, क्योंकि हमें एक मैक्स लेवल का बीकन बनाना है तो उसके लिए बहुत सारे फ्लेचर चाहिए थे। तो फिर मैंने फार्मर से कुछ ब्रेड बाई किया और उन्हें फ्लेचर को दे दिया और उन्हें सोने के लिए बहुत सारा बेड भी लगाया। फिर मैंने बाहर से बीकन को हटाया और कॉबल स्टोन मशीन को भी हटाया। फिर मैंने गार्डन बनाने के लिए एक आउटलाइन बनाया और हम दो भाई गार्डन पे काम करने लगे, और एक भाई को मैंने फ्लेचर से ट्रेडिंग करने के लिए लगा दिया। डे 153 तक गार्डन भी बनके कंप्लीट हो गया और इंड रिजल्ट मुझे काफ़ी सही लग रहा था, और हमारा ट्रेडिंग वाला बिजनेस भी काफ़ी सही चल रहा था। और इसी में एक ट्रेडर भी मिला जो कि हमें बिर सेपलिंग दे रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन सब कुछ अच्छा भी नहीं था, स्लाइम ने फिर से हमारे सारे फसलों को बर्बाद कर दिया था, तो फिर हमने उसे फिर से ठीक किया और सारे फसलों को दोबारा से प्लांट किया। इसमें हमारे 4 दिन और लग गए। ओके, तो अभी बिल्ड करते करते हो गया है डे 157। आई नो 7 डेज ज़्यादा हो गए हैं और कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि भाई तूने 150 डेज से ज़्यादा कैसे खेला, तो सॉरी यार, अब यही है जो है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसे बीच में छोड़ना, और अभी तो मुझे यहाँ पे बीकन भी बनाना है, तो देख लो क्या कर सकते हो। गाली वाली देना हो तो कमेंट में दे दो। ओके, तो इसके बाद मैंने बीकन बनाने के लिए एमरल्ड की ट्रेडिंग शुरू करी, और अभी तक भाई ने ऑलमोस्ट 6 स्टैक एमरल्ड कलेक्ट कर लिया था, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी नहीं था। तो अब असली समय आ गया है मुझे असली मजदूर वाले रूप में आने का। तो इसके बाद मैंने बहुत सारा ट्री चॉप करना शुरू किया। मैंने बहुत ही सारा ट्री काटा। मैंने लगभग 10 स्टैक लॉग कलेक्ट किया और फिर इसे स्टिक बना के ट्रेड किया।
डे 158 से डे 162 तक मैंने और मेरे एक भाई ने केवल यही किया। और फाइनली हमारे पास 2.5 स्टैक एमरल्ड ब्लॉक कलेक्ट हो गए। तो फिर मैंने बीकन बनाना शुरू किया। लगभग 15 फ्लेचर की हेल्प और 4 दिन के कड़ी मेहनत के बाद भी बीकन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी 5 स्टैक कम पड़ गया। तो मैंने फिर से ट्री चॉप किया और ट्रेड किया और फाइनली बीकन कंप्लीट किया। और इस तरह हमारे चारों टारगेट भी कंप्लीट हो गए। इसके बाद मैंने बीकन से रीजनरेशन और स्पीड ले लिया। इसके बाद मैं शो ऑफ करने लगा, लेकिन भाई के साथ ये थोड़ा सा तो मुश्किल काम है। इसके बाद मैंने अपना एक लास्ट काम किया, वो बेसिक किया जिसमें इंचांटिंग टेबल ना हो। तो फिर मैंने इंचांटिंग टेबल को भी कंप्लीट किया और इसके साथ ही 3 आर्मर स्टैंड बनाया और इंचांटिंग टेबल के पास में लगाया। लेकिन आर्मर स्टैंड खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने आर्मर से और आर्मर बाई किया और उसे आर्मर स्टैंड पर लगाया और अब फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो फाइनली ये है हमारा न्यू बेस। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना, और हाँ वीडियो कैसा लगा ये भी बता देना। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।